उठे शूटिंग गाड़ ची उठ 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 रे उठ रही है। तो है गाइस, ये है अपना छोटा सा मेहमान जो कि बाद में लाया गया है। ये है अपनी डॉली, ये तेजस भाई है। इसको लग रहा है मैं इसकी फोटो खींच रहा हूँ। इस भाई इसको अभी लाइव का ऑप्शन नहीं मिल रहा इंस्टाग्राम में। पानी येतंय ते एकदम प्रॉपरली म्हणजे असं एकदम सारखं गेलं पाहिजे त्याच्यामध्ये। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी जो है दिवाली का टाइम आ रहा है और हमारे यहाँ जो है पूरी आवर सावर चल रही है हमारे घर की। देख सकते हो यहाँ पर बर्तन रहते थे, यहाँ पर फोटो लगी थी दादी माँ की, तो वो सब निकाल दिया है। अभी अभी घर को वॉश करना है, बट मैं जो हूँ अभी यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। बस बात इतनी है कि अभी हेयर कट करके आया रात को, आपने हेयर कट वाला वीडियो देख ही लिया होगा। तो फिर मिलते हैं आज जो भी काम होता है उस काम में। दोस्तों मैं आया था पीछे, यह है अंकुश भाई। इसको अभी लाइव का ऑप्शन नहीं मिल रहा इंस्टाग्राम में। भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नीचे देख, यहाँ पर लाइव का ऑप्शन है। अभी दबाएगा तो ये देख सकते हो आ गया। चेकिंग कनेक्शन एंड यू आर लाइव। अभी क्या WWE दिखाने वाला है, क्रिकेट दिखाने वाला है? दिखाने के अबे लाइव स्टार्ट हो गया। दोस्तों अपने इस भाई का भी चैनल है, इसको भी सपोर्ट कर दो। अंकुश जेजुकर ब्लॉग्स नाम से इसका चैनल है। इसके चैनल पर जाकर भी वीडियोस देख लो, इसके बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है। तो है गाइस, ये है अपना छोटा सा मेहमान जो कि बाद में लाया गया है। ये है अपनी डॉली जो अभी पूरी नींद में है। अभी अभी उठाया मैंने इनको, यार शूटिंग निकालनी थी, सो रहे थे, फिर देख नहीं रहे थे कैमरे के पास। अभी देखो देख रहा है डॉली, ये देखो आगे लग गई, उंगली को लगना है सिर्फ। और ये है हमारा तेजस, क्या चल रहा है। और ये है चैंकी मैंकी जो मुझे हमेशा से ही ऐसे ताड़ती रहती है। उसका कुछ काम नहीं है, बस इतना ही काम आता है उसको। ये तेजस भाई है, इसको लग रहा है मैं इसकी फोटो खींच रहा हूँ, ऐसे पोज बना रहा है। अरे पोज मत बना यार। तो फिर ये है डॉली, इसका नाम अभी रखा नहीं है, नाम आप बताओ। और मैं अभी जा रहा हूँ ट्रैक्टर लेके, ये रहा अपना ट्रैक्टर। ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ कल्टीवेट करने के लिए, ये पीछे कल्टीवेटर लगा है। और अभी स्टार्ट करना है मुझे वो काम। बस मेरे पास डबल आदमी नहीं है, मतलब कैमरामैन नहीं है, इसलिए मैं आपको मैं कल्टीवेट करूँगा वहाँ की शूटिंग नहीं दिखा पाऊँगा। तो फिर चलता हूँ मैं अपने काम को। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ खेत में, यहाँ पर देख सकते हो नीचे प्याज का खेत है। जो टंकी मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाई थी कि स्प्रे करने के लिए भर रखी थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ वो वावर बांधने के लिए। यानी कि जो वाफे तैयार किए हैं हमने उनको मतलब ठीक करने के लिए। तो फिर मिलता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे ठीक करते हैं। दोस्तों प्याज भी यहाँ पर बड़े तेज हो रहे हैं, क्योंकि देखो अच्छे हो गए हैं, मतलब कि इनको अभी खाद वाद नहीं डाला है, फिर भी बहुत अच्छे हो गए। खाद वाद डालेंगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे। बट देख सकते हो यार पूरे पत्थर ही पत्थर है, मतलब ऐसी बात हो गई ना, देखो मौज कर दी पत्थरों में, ऐसी बात हो गई इसकी। क्योंकि इन पत्थरों में यार ज़्यादा कोई मतलब फसल होती नहीं है ज़्यादातर, बट प्याज व्याज होते ना वो बड़े अच्छे हो जाते, टमाटर होते वो अच्छे हो जाते, ऐसी बात है इस खेत की। अभी दिखाता हूँ इसके ही साइड में, देख सकते हो वहाँ पर मिट्टी डाली, मिट्टी वाला ब्लॉग डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर देखो इसी के बगल में है वो खेत जिसको अभी मुझे ठीक करना है। तो फिर बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे ठीक करना है। दोस्तों ये है पूरा खेत, और यहाँ पर बात मतलब जो काम करना है वो है ये, जो कि देख सकते हो आप यहाँ से पूरा एक ऐसे वर्म्बा बोलते हैं हम इसको, वर्म्बा आ रहा है यहाँ पर ही टूट गया है, देखो इस जगह पर टूट गया है। तो इसको क्या करना है, सिंपली अपना फावड़ा यानी माड़पावड़ी होती है और पावड़ा होता है, उससे क्या करना, इसको मिट्टी लगा देनी है, बस इतना ही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें पत्थर वत्थर होते हैं वो साइड में कर देने, ऐसे साइड में यहाँ पर लगा देने, बाकी कुछ नहीं, वही काम कर रहा हूँ। काम करने के बाद मिलता हूँ, जाना है मुझे नासिक को दादाजी की दवा लाने के लिए, तो उसको भी जाना पड़ेगा। वो भी सीन आपको दिखाता हूँ नासिक में जाकर हम कहाँ कहाँ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पीछे आधा काम जो है वो हो चुका है, और मेरे हाथ में है मापौड़ी अनातमिपान तो वावर, और मेरे पीछे आप देख ही सकते हो कि कैसा सीधा लग रहा है, मतलब अभी वापे जो है क्लियर लग रहे हैं, मतलब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। दिखने से कोई मतलब नहीं है इसका, बस क्या होना चाहिए अपना पानी जो है ना वो ठीक से जाना चाहिए। मतलब जे पानी येतंय ते एकदम प्रॉपरली म्हणजे असं एकदम सारखं गेलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, जेणेकरून काय होईल जे आम्ही कांदे लावू, मतलब जो हम प्याज लगाएंगे
वो ऐसे उमदाल नहीं जाएंगे। उमदालना मतलब जो है बह जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आती है किधर, बाढ़ में देखो घर भर बह जाते हैं, वैसे ही सिस्टम यहाँ पर हो जाता है। तो फिर अभी चल ही रहा है काम, बस इतना हो चुका है और देखते कितना टाइम लगता है, बस इतना ही बाकी रहेगा। मतलब हमें इसको ना पाड़ को बोलता हूँ कुछ, मतलब ऐसे ना 10-12 फीट का जो है सारा रहता है, वाफर रहता है, उसको मैं पाड़गा बोलता हूँ। और अभी जो है 3 पाड़गे बांधने के हो चुके हैं और 2 पाड़गे अभी बाकी है इस साइड में, तो अभी इनको पूरा कर लेता हूँ और फिर निकल लेते हैं नासिक के लिए। नासिक को भी जाना है मुझे दादाजी की दवाइयाँ लाने के लिए। दोस्तों मैं अभी अपने खेत में जा रहा हूँ, इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करता हूँ और जो हम नासिक में जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में डाल देता हूँ, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये बहुत बड़ा हो गया है, तो इसी व्लॉग को यहाँ पर ही एंड कर देता हूँ। आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। उठे शूटिंग गाड़ी जी, उठ 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 रे उठ ए उठ रही है उठ 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 उठ।